पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारतीय जनता पार्टी महानगर मुरादाबाद के तत्वावधान में शनिवार को बुद्धि विहार स्थित पार्टी कार्यालय पर बरेली मुरादाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद सदस्य चुनाव को लेकर चर्चा हुई। एमएलसी चुनाव के मुरादाबाद महानगर के संयोजक और पूर्व भाजपा महानगर अध्यक्ष मनोज गुप्ता एडवोकेट ने बताया कि एमएलसी चुनाव की वोटर लिस्ट में प्रत्येक 10 मतदाता पर एक पदाधिकारी नियुक्त रहेगा। ये पदाधिकारी मंडल मुरादाबाद महानगर जिला क्षेत्र और प्रदेश का हो सकता है। मनोज गुप्ता ने कहा कि इस बैठक के बाद मंडल की बैठक वार्ड की बैठक हुई है। नगर विधायक रितेश गुप्ता ने कहा कि एमएलसी चुनाव में वोटर एक एक मतदाता का वोट समय से पड़ जाए इसका हमें चिंतन करना है। रितेश गुप्ता ने कहा कि निकाय चुनाव से पहले एमएलसी चुनाव हो रहा है, इसीलिए हमें निकाय चुनाव वाली ताकत एमएलसी चुनाव में लगानी है। महापौर विनोद अग्रवाल, एमएलसी डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लो, एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह वैस ने कहा कि एमएलसी चुनाव के लिए एक एक वोटर का वोट समय से पड़ जाए ये हम सब की जिम्मेदारी है। वोट बनवाने के लिए जितनी मेहनत पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने की है वो सराहनीय है। अब उन सभी को सर्च करके मत पेटियों में पड़वाना भी हमारी जिम्मेदारी है। आज एमएलसी चुनाव जो कि बरेली मुरादाबाद स्नातक खंड का चुनाव डिक्लेयर हुआ है, उसी के संबंध में आज ये महानगर संगठन की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें महानगर के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, माननीय पार्षदगण, सभी जो कार्यकर्ता थे उनको इस आज की मीटिंग में बुलाया गया था। और चुनाव जो कि 30 तारीख को जिसकी वोटिंग होनी है उसी की तैयारी बैठक आज की ये कामकाजी बैठक रखी गई थी, तो उसी में कार्यकर्ताओं को बताया गया कि आने वाले समय में किस तरह से इस चुनाव की तैयारी में हमें काम करना है, तो वही संबंध आने वाले समय में किससे मुकाबला रहेगा, क्या कुछ? कोई मुकाबला नहीं है, एक तरफा है जी। जी पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।